नमस्कार, मैं निशी शर्मा, स्वागत है आपका जनप्रवाद में। जैसे कि आप जानते हैं कि बॉलीवुड निर्देशक संजय लीला बंसाली की फिल्म गंगूबाई कठियावाड़ी शुक्रवार को सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है। फिल्म के रिलीज होने के बाद ही आलिया भट्ट छा गई हैं। फिल्म में उनका डायलॉग बोलने का अंदाज दर्शकों को काफी इम्प्रेस कर रहा है। आइए आपको बताते हैं फिल्म से जुड़ी सभी जानकारियों के बारे में। अगर फिल्म की कमाई की बात करें तो पहले ही दिन में फिल्म ने काफी सुंदर प्रदर्शन किया है। फिल्म में मौजूद स्टार्स आलिया भट्ट, अजय देवगन, विजय राज, सीमा पाहवा, इंद्रा तिवारी और सुशांत महेश्वरी जैसे स्टार्स का जादू फिल्म गंगूबाई कठियावाड़ी में छा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म ने पहले ही दिन में करीब 9 करोड़ तक की कमाई की है। बता दें कि सूर्यवंशी और 83 के बाद फिल्म थिएटर में रिलीज होने वाली बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म है। बॉक्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार गंगूबाई कठियावाड़ी से अभी 9.5 से 10 करोड़ कलेक्शन आने की संभावना है। बता दें कि फिल्म ने मुंबई सर्किट में अच्छा स्कोर किया है। ये मूवी 3000 से ज्यादा स्क्रीन पर बड़े पैमाने पर रिलीज हुई है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि वीकेंड पर फिल्म की कमाई और अच्छी होगी। अब अगर फिल्म गंगूबाई कठियावाड़ी की कहानी के बारे में बात करें तो फिल्म गंगूबाई कठियावाड़ी हुसैन जैदी की किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई पर बेस्ड है। बता दें कि गंगूबाई गुजरात के कठियावाड़ की निवासी थी, जिसके कारण उन्हें गंगूबाई कठियावाड़ी कहा जाता था। इस फिल्म में एक लड़की के गंगा से गंगूबाई बनने की कहानी बताई गई है। कैसे एक लड़की एक समय पर मजबूरी में जिस्म फरोशी का धंधा करती थी, लेकिन बाद में वो कमाठीपुर की सबसे बड़ी ताकतवर महिला बन जाती है। बता दें कि फिल्म के लिए आलिया भट्ट ने 20 करोड़ रुपए बतौर फीस ली थी, जिसमें से फिल्म ने अभी तक मात्र 8 से 9 करोड़ की कमाई की है। कहीं ना कहीं जो उम्मीद फिल्म से की गई थी, उन पर फिल्म नहीं उतरी है। हालांकि अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि वीकेंड तक फिल्म अच्छी कमाई कर सकती है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।